सादिया है, मैं राशिद अली खान की वाइफ हूँ। तकरीबन 5-6 डेज पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने की वजह से हम उनको मेरीपट्टनम पर एक हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। वहाँ उनको एक चेस्ट इन्फेक्शन की रिपोर्ट के सिलसिले में हमको दूसरे हॉस्पिटल को रेफ़र किए कि वहाँ जाकर उनका एक टेस्ट करवाना है। वहाँ से हम लोग मेडिकवर हॉस्पिटल जो सेक्रेटेरिएट पर है वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद भी तकरीबन 3 आवर्स तक पेशेंट को अंदर एडमिट नहीं किया गया। बहुत ही इतनी सीरियस कंडीशन में बिल्कुल भी किसी ने अटेंड नहीं किया पेशेंट को। पेशेंट 3 घंटे तक लगातार बाहर ही वेट करते रहे। 3 घंटों के बाद जब एडमिशन हुआ तो उसके बाद भी जब हम उनको सारे डिटेल्स दिए कि पेशेंट को रिसेंटली शुगर डायग्नोज हुई है, किडनी इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ है, सारे रिपोर्ट्स हैंड ओवर करने के बावजूद भी रात सारी उनको इस डिसीज़ से रिलेटेड किसी किस्म का मेडिकेशन नहीं दिया गया। मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट हैं, उनको आइडिया है कि क्या मेडिकेशन देना चाहिए था। जब सुबह बात हुई तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि हमको इस ताल्लुक से पता ही नहीं, जबकि सारे रिपोर्ट्स हैंड ओवर किए गए। उसके बाद जब मेडिकेशन स्टार्ट हुआ फिर सडनली कहते हैं कि इनको चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है। सेम डे वेंटिलेटर भी लगा दिया गया, ICU में शिफ्ट कर दिया गया। सेकेंड डे जब डॉक्टर्स की काउंसलिंग हुई, फर्स्ट काउंसलिंग में कहा गया कि पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है, स्लोली इम्प्रूवमेंट आ रहा है। फिर सेकेंड काउंसलिंग में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन है, 100% वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी जो है ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ से गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो कौन सा दिन था वो? 9th के दिन तकरीबन 7-8 बजे हम लोग यहाँ से गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किए। वहाँ जाने के बाद यहाँ मेडिकवर के एक टेक्नीशियन को साथ लेकर गए। वहाँ जाकर सारा वेंटिलेटर सब सेटिंग कर उस आदमी ने इतना एश्योर किया कि कंडीशन पेशेंट की बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह 2 दिन में शायद वेंटिलेटर से निकल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ये कहकर चला गया। और रात को मैसेज भी अपडेट आ गया कि पेशेंट का एडमिशन हो गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया गांधी हॉस्पिटल। फिर सुबह फ़ोन आया कांस्टेबल का, 7 बजे के ऐसा डेथ हो गई है। 10th मॉर्निंग कांस्टेबल का तकरीबन बस 4-5 आवर्स ही पेशेंट गांधी हॉस्पिटल में रहे, उससे ज़्यादा रहे नहीं, डेथ हो गई, आकर आप बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बॉडी का सिर्फ वेट किया गया हॉस्पिटल के बाहर, अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी देंगे। 5 बजे तक घर के सारे लोग वहाँ वेट करें। 5 बजे के बाद अंदर बुलाकर बोलते हैं कि आप बॉडी वेरीफाई करें। 5 बजे से रात के 12 बजे तक हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स हैं जो जिंदा हैं उनको भी चेक किए, जो डेथ हो गई उनको भी एक एक को खोल कर सबके फेसेस चेक किए, मगर बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई, बॉडी हॉस्पिटल से मिसिंग है। ये सिर्फ 4-5 घंटों के ड्यूरेशन में इतना इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हॉस्पिटल स्टाफ से, ये मैनेजमेंट कुछ भी नहीं बोलता, ना मैनेजमेंट किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा, ना वहाँ कोई डॉक्टर कोई हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा कि बॉडी कहाँ है, कौन अटेंड कर रहा था, कौन सा डॉक्टर अटेंड कर रहा था, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली। बॉडी मिसिंग है, कल सारा दिन ढूंढते रहे, आज भी सुबह से ढूंढ रहे हैं, बॉडी का पता नहीं है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, पुलिस कंप्लेंट हो गई है, पुलिस का कुछ है कहना? पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब कुछ सोर्सेस से मालूम हो रहा है कि आपके हस्बैंड की बॉडी को पहाड़ी शरीफ भेजा दिए, तो ये कहां तक सही, इसके बारे में कुछ इत्तला है आपको? घर के सारे जेंट्स अभी तो घर पर नहीं है, वो बस सब बॉडी ढूंढने में लगे हुए हैं, हमको इस तालुक से किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं आई है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बस रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस किस्म की इरेस्पॉन्सिबिलिटी मत करिए, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ दा है। डेथ होना ही बहुत बड़ा शौक था और बॉडी मिसिंग होना उससे कई ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल वक्त लेकर आया। घर के सारे लोग बेहद परेशान हैं कल से।